हे गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में फिर से, और सभी परिवार को प्यार भरा मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सुबह की बज रही है अभी 8, और देख लो कितना हरा भरा लग रहा है। और रक्षाबंधन हो चुकी है, आज 2 तारीख हो गई। और कल मैं गया था मैकेनिकर अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए, तो गाड़ी का काम भी पूरा करवा दिया मैंने, 3,200 रुपये हुए। कल वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी मस्त वीडियो है कल वाला। और अभी लीला दीदी ने चाय बना दी, तो चलो चाय पी लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी मस्त बनने वाला है आज का। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो और करो वीडियो को एंजॉय। और हम पी लेते हैं चाय। तो फ्रेंड, लीला दीदी खाना बना रही है और मैंने तो चाय पी ली है और अपनी वाड़ी तरफ आ गया था। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को वाड़ी नहीं बताई मैंने, तो अपनी वाड़ी में मिर्ची भी लग गई है और बैंगन में फूल आ गए हैं। बैंगन लगे नहीं है बट टमाटर लग गए हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से काफ़ी दिनों के बाद अपनी वाड़ी। तो फ्रेंड, ये है अपनी मिर्ची और वहाँ पर है बैंगन और फिर टमाटर और इधर भुट्टे। तो मिर्ची लग गई है, बताता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो काफ़ी प्यारी प्यारी मिर्ची है। ये अभी ला के मैंने लगाई थी बाद में, तो यहाँ पर भी लग गई है मिर्ची और ये पहले वाली मिर्ची है। तो ऐसे मतलब हर जगह लग गई है, देख सकते हो ये काफ़ी प्यारी प्यारी मिर्ची लग गई है और बैंगन फूल आ गए हैं बट बैंगन लगे नहीं हैं, फूल आ गए बैंगन में, देख सकते हो ये भी लग जाएंगे थोड़े दिन में। और टमाटर लग चुके हैं अपने, यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे टमाटर लग गए हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। टमाटर लग गए, अब यहाँ पर तार लगाना पड़ेगा नहीं तो ज़मीन में चिपक जाएंगे टमाटर लगेंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे टमाटर। और अपने बूटे भी लग गए हैं, ये देख सकते हो ये बूटे लग गए हैं। दो तरह की मिर्ची है अपने यहाँ, ये बहुत ज़्यादा तीखी रहती काली वाली, और वाइट वाली है नहीं, ये थोड़ी कम तीखी रहती, ये वाली थोड़ी कम तीखी रहती। यहाँ पर भी लग गई है मिर्ची ये। तो फ्रेंड, देख लिया आप लोगों ने वाड़ी, मिर्ची भी लग गई है, बैंगन फूल आ गए हैं और टमाटर भी लग गए हैं। 10-15 दिन के बाद टमाटर बैंगन और मिर्ची लाना नहीं पड़ेगा मार्केट में से, अपनी वाड़ी में से डेली निकल जाएगा। और खाना बन चुका है तो चलो खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड, मार्केट में गया था तो केले और सेमफल दोनों लाया हूँ। तो प्रीति हो तो गांव में चले गई और परी सो गई है और मैं खा रहा हूँ, इधर मनीषा खा रही है। तो चलो खा लेते हैं केले। एक किलो सेमफल, 500 सेमफल और 1 किलो केले ले आया हूँ। तो फ्रेंड, दोपहर की 12:30 बज चुकी है और 2 दिन बीत चुके हैं। 30 तारीख को भी नहीं जा पाया, 31 तारीख को भी नहीं जा पाया और कल भी नहीं जा पाया मैं। तो आज हम जा रहे हैं गीता के साथ, पत्र किसने अपने चोरी करे वो दिखाने के लिए मंदिर पे। तो दोनों ही जा रहे हैं हम गीता के साथ, तो पता तो चले किसने चोरी किया, गाँव वालों ने किया या फिर दूसरे गाँव वालों ने किया या फिर बाहर वालों ने किया। पता चलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं बट रियलिटी में बताते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा किसका नाम बताए और कहां पर अपने पत्रे पड़े वो भी बता देंगे वहां पर। तो आप बने रहना, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। देख लो अपनी टंकी ऐसे ही खुली पड़ी, छोटे छोटे बच्चे यार अंदर गिर जाए ऐसा डर लगता बहुत। अपनी प्रीति और परी कैसी है, दिन भर इधर उधर भागती रहती है तो डर लगता कुंडी टंकी के अंदर गिर जाएंगे यूँ। तो जाते हैं मंदिर पर और दिखाते हैं और आप लोगों को भी बताऊंगा मैं, तो बने रहना वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड, आ गए हैं हम, बैठे हैं, 2 बजे का टाइम बताया गीता के साथ। तो फ्रेंड, फाइनली आ गए हम घर पर और गीता को नहीं दिखाई दिया, मतलब दिखाई दिया पर इतना क्लियर नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर देखने के लिए एक बच्ची चाहिए,
कम से कम इसकी उम्र हो 7-8-9 साल तक, मतलब 7-8 साल की बच्ची थी, इसको क्लियर दिखता। तो वहाँ एक बच्ची थी जिसको हमने बुलाया था, तो उसने बताया, क्लियर बताया, बट हमारे परिवार में, मतलब हमारे गांव में नहीं ले गए उठा के, बगल वाले गांव वाले उठा के ले गए। बताया इसने चल के, जो जो बताया इसके हिसाब से मैंने सब गौर करा, तो दूसरे गांव वाले थे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, पास पे है। तो बताया हमारे को मक्की में पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं, मक्की में ही हैं रखे हुए, और स्कूल जैसा कुछ है इसके बगल में रखा हुआ। तो देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ, इधर घूमते घूमते जाऊँगा या फिर किसी और को भेजूँगा, तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और अब दूसरों को खेत के अंदर भी नहीं घुस सकते डायरेक्ट जाके, क्योंकि कोई पूछने लग जाएगा इतने दिन नहीं आया और आज क्या है इधर, यूँ करके कोई भी पूछ ले। देखता हूँ मैं जा पाऊँगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो किसी और को भेजूँगा देखने के लिए। तो आ गए हैं हम घर पर, चाय बनाते हैं और पीते हैं। तो फ्रेंड मैंने बच्चों को देखने के लिए भेजा था मक्की में, बट वो सेड़े सेड़े घूम के आ गए, मक्की के अंदर नहीं घुसे। और मक्की में दो बंदे थे और दो बंदे बाहर खड़े थे, वो बच्चों के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। बट मैं जाता यार, मैं कभी वो फलिए में गया नहीं, तो क्या होता ज़्यादा शक करने लग जाते, और चोर का क्या काम रहता, अपन देख लेते या जान लेते, या तो मरने मारने के लिए तो चोर निकलते हैं बाहर, फिर अपने ऊपर दाव रखते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों को भेजा था, तो बच्चे घूम कर आए सेडे सेडे, अंदर मक्की में ज़्यादा नहीं घुसे। तो मक्की के अंदर दो बंदे थे, यूँ बोल रहे बच्चे, और दो बाहर खड़े थे और गुस्सा भी काफ़ी तेज कर रहे थे बच्चों के ऊपर। तो मतलब हमारे गांव से दूसरा गांव है, वहाँ क्या यही काम होता रहता चोरी का, रात में चोरी करने निकल जाना। तो अभी फ़िलहाल में वहाँ पतरे नहीं हैं, तो गए ऐसा लग रहा मुझे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय।